ज़ेलेंस्की को बारूद और हथियार देकर क्या अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उसके बदले में रिश्वत ली? ये बड़ा सवाल अमेरिका में उठा है। अमेरिका में रिश्वत कांड को लेकर तूफान खड़ा हो गया है। इस मामले में बाइडेन बड़े संकट में फंसते नजर आ रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। बाइडेन और उनके परिवार पर यूक्रेन से $5 मिलियन की रिश्वत लेने का आरोप लगा है। वॉर के बीच बाइडेन पर बड़ा संकट। बाइडेन का रिश्वत कांड अमेरिका में पूछा। दिस इज द सेनेट वेयर द अदर साइड ऑफ द दिस इज द सेनेट डू यू हैव दोस 17 रिकॉर्ड्स। क्या बेटे ने बाइडेन को फंसाया? अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और उनके बेटे पर संगीन आरोप लगे हैं। बाइडेन और उनके बेटे हंटर बाइडेन पर लगे रिश्वत कांड के आरोप का मुद्दा अमेरिका में तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन पर यूक्रेन से $5 मिलियन के रिश्वत लेने का आरोप है। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में बाइडेन और हंटर बाइडेन की आवाज होने का दावा किया जा रहा है। आरोप है कि यूक्रेन के पास बाइडेन और हंटर बाइडेन के साथ हुई बातचीत की 17 रिकॉर्डिंग है। ये मुद्दा अमेरिकी सीनेट में भी उठा। रिपब्लिकन पार्टी ने बाइडेन को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। बाइडेन को लेकर इस रिश्वत कांड का खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब यूक्रेन करीब 1.5 साल से जंग लड़ रहा है और अमेरिका उसे हथियार देकर हर तरह से मदद पहुंचा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बाइडेन और उनके बेटे पर लगे आरोपों ने अमेरिकी राष्ट्रपति की मुश्किलें बढ़ा दी। लेकिन इस कथित रिश्वत कांड के बारे में जब मीडिया ने जो बाइडेन से सवाल किया तो उन्होंने ऐसा जाहिर किया मानो कुछ हुआ ही ना हो या फिर उन्हें कुछ पता ही ना हो। बाइडेन ने रिश्वत कांड पर पूछे गए मीडिया के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। Are there tapes that you accepted bribes, President Biden? Is that true? बाइडेन तो इस मसले पर मीडिया के सामने कुछ नहीं बोले, लेकिन अमेरिकी संसद में इस मामले पर हंगामा बरपा हो गया। सीनेट में FBI के डिप्टी डायरेक्टर को भी पेशी के लिए बुलाया गया और उनसे इस बारे में सफाई मांगी गई, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी जांच एजेंसी FBI को इसके बारे में जून 2020 में एक सीक्रेट सोर्स के जरिए पता चला था। रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर्स ने FBI को इस मामले में फटकार भी लगाई और ये जानना चाहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके बेटे को यूक्रेन से कथित रिश्वत आखिर क्यों दी गई। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि बाइडेन को रिश्वत के रूप में यूक्रेन की एक गैस कंपनी से $5 मिलियन का पेमेंट मिला था। उस यूक्रेनी कंपनी में बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन बोर्ड मेंबर थे। हंटर बाइडेन ने उस कंपनी में लंबे समय तक काम किया था। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि यूक्रेन की उस कंपनी के कार्यकारी अधिकारी के खिलाफ इस मामले में अभी जांच चल रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों से पहले बाइडेन अपने दामन पर लगे इस कथित रिश्वत कांड के दाग से छुटकारा कैसे पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।